हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका मेरे ये यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टैंक के बारे में, और इस टैंक का में क्या क्या है और इसका प्रोग्रेस क्या है, तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। तो ये है जो टैंक है, BG40 है और ये 30 है, और उधर जो टैंक है दो वो है स्टॉक में। ये दोनों से हम लोग मतलब चलाते हैं प्लांट को, और वो दो जो रखा हुआ है स्टॉक में रहता है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि मतलब ये टैंक का प्रोग्रेस क्या है, मतलब क्या क्या इसमें क्या करना पड़ता है और कैसे इसका काम उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, ये इसमें जो मटेरियल है इसमें बिटमिन BG30, तो ये दोनों बिटमिन BG40 और BG30 इसमें जो रहता है वो फर्स्ट टाइम में ठंडा ठंडा रहता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग करने के लिए हम लोग देखिए ये बर्नर का उपयोग करते हैं, और जो ये दो बर्नर दिख रहा है यार, ये इसका नाम है B55 बर्नर है ये। और ये यहाँ से इसका मतलब इस पैनल से इसको मतलब कंट्रोलिंग किया जाता है इस बर्नर को। और देखिए ये जो पंप आपको दिख रहा है, ये सर्कुलेटिंग पंप है ये। और ये देखिए सारी पाइपलाइन है, और पाइपलाइन के थ्रू ही इसमें देखिए गया हुआ है, और इसको हम लोग गर्म करते हैं, यहीं से गर्म करते हैं। ये देखिए इस वाल को खोलेंगे तो ये गर्म होगा, और उस वाल को खोलेंगे तो वो गर्म होगा। तो ये बिटमिन BG40 का टैंक है और बिटमिन BG30। तो ये देखिए पाइपलाइन है, जगह अगर हमको इसको चलाना होता है तो यहाँ से वाल खोलते हैं, और ये ट्रांसफ़र पम्प है, इसको सबसे पहले हीट कर लेना पड़ता है, और फिर इसके ये पाइपलाइन के थ्रू ही उस मिक्सर में ये जाता है, और मिक्सर में जाने के बाद मिक्स करता है बिटमिन, और फिर बिटमिन अपने परसेंटेज के हिसाब से केबिन से कंट्रोलिंग से अपना परसेंटेज से उसको देते हैं हम लोग। तो जितना परसेंट से लेना रहता है उतना परसेंट से हम लोग लेते हैं। और इसमें इस टैंकी के अंदर कॉइल लगा होता है, जो कि इसमें 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 थर्मिक वाल घूमता है, और इस पाइपलाइन के अंदर थर्मिक वाल रहता है जो गर्म होता है, कम से कम 150 से ऊपर टेम्परेचर, उस सब 150 से ऊपर थर्मिक कॉइल का टेम्परेचर आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। तो यही सब प्रोग्रेस है इस टंकी का, और इसका स्टॉक दोनों का स्टॉक 30-30 टन का है। तो 30-30 टन में इसमें बिटमिन रहता है, और हालांकि 30 टन हम लोग इसमें भरते नहीं हैं, कुछ काम भरते हैं, क्योंकि गर्म होने के बाद इसमें ओवरफ्लो भी मार देता है, यहाँ से देखिए गिर भी जाता है, कभी कभार गिर भी जाता है। इसीलिए हम लोग टैंकी काला पीला ना हो, इसके वजह से मतलब हम लोग कम इसमें मटेरियल भरते हैं। तो प्लांट का सामने का भी कुछ आपको नज़ारा दिखाया जाए, और ये सामने देखिए कितना सुंदर पहाड़ है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।